मैं अभी कैप्टन साहब ये कह रहे हैं गॉड से मुर्दाबाद बोल दो। है? क्या कह रहे हैं भैया? नौकरी चली जाएगी उनकी, क्या करवा रहे हैं आप? रहने दीजिए भदौरिया जी, कभी ये आप बताइए क्या कह रहा है। मैं कहूंगा बोल, ये कह रहे हैं गोट से मुर्दाबाद बोलो, गोट से मुर्दाबाद बोलो। आज डिबेट क्या गोट से पे हो रही है? हो रही है तो हम उसका भी फिर पूरा विवरण बताएंगे। गोट से क्या थे और गोट से को क्यों मुर्दाबाद या बुलवाना चाहते? गोट से के पैरों की धूल भी नहीं आप लोग हो सकते। गोट से देशभक्त था आप, देशभक्त नहीं हो। कांग्रेस पूरी देशभक्त नहीं है, ठीक है ना? गोट से देशभक्त था, गोट से ने देश के लिए वोट, ठीक है, उनकी सोच अलग थी, वो अपने हिसाब से अपना कार्य कर रहे थे, मगर गोट से गद्दार नहीं था। जिस माननी चाहिए आप लोगों को, आपको जो मुख्यमंत्री बाहर जाते हैं पुष्पांजलि, नेहरू की पार्टी है ये, भदौरिया जी भदौरिया जी भदौरिया जी टुकड़े कराने वाली वही भदौरिया जी नेहरू नेहरू भदौरिया जी, आपने कहा कि गोडसे देशभक्त था, मैं जान सकता हूँ कि कैसे और क्यों? आप गोडसे नहीं, हम क्यों बता रहे गोडसे की जीवनी? आप पढ़िए, आपको पता चल जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। तो फिर आप कह रहे हैं देशभक्त जिंदाबाद, क्या क्या किया है गोडसे ने, किसको क्या किया है, हम उससे नहीं जाना चाहेंगे, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। अभी तो आप कह रहे थे गोडसे के कोई भी कार्य ऐसे नहीं थे जो देश विरोधी हो। नेहरू के कार सारे देश विरोधी थे, चाहे वो अंग्रेजों के खिलाफ कहीं लड़ा क्या गोडसे? उसे रिवॉल्वर चलाना आता था, अंग्रेजों के ऊपर गोली चलाई क्या उसने? गोडसे ने एक गोली चलाई थी, गांधी जी के तीन गोलियां कहां से आई? दो गोलियां किसने और चलाई थी, इसका जवाब है आप पे, बताइए दो गोलियां और कहां से आई थी? गोली अगर गोडसे ने चलाई थी तो गोलियां और दो कहां से निकली थी? लाल बहादुर शास्त्री की, अनुराग भारत प्रताप जी में मौत हुई थी, अनुराग प्रताप जांच कराई कैसे हुई थी? अनुराग प्रताप जी जांच कराई आपने? भदौरिया जी प्रधानमंत्री बता रहे थे मौत के जुम्मेवार आपने जांच कराई, आप दिन तक आपने देश को बताया कि कैसे मौत हुई थी? भदौरिया जी कहूंगा कि आज जब इस चैनल पे हत्यारे का महिमा मंडन हुआ तो मुझे दुख हुआ, और आपने सही बोला कि भाजपा के लिए कभी भी जनता से जुड़ी हुई मूलभूत सुविधाएं चुनावी मुद्दा रही नहीं है। नफरत, हिंसा, लोगों को आपस में लड़ाना, भ्रष्टाचार का महिमा मंडन, हथियारों का महिमा मंडन और हथियारों को बचाना। गोडसे के पैरों की धूल भी नहीं आप लोग हो सकते। गोडसे देशभक्त था, आप देशभक्त नहीं हो, देशभक्त नहीं हो, कांग्रेस पूरी देशभक्त नहीं है, देशभक्त था, ठीक है ना? गोडसे देशभक्त था।